यहां पर लिखा है 14वें अध्याय में, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए जिन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मूर्ख किसे कहा गया? मूर्ख वो है जो कहता है परमेश्वर कोई है ही नहीं, परमेश्वर कोई है ही नहीं। अरे ये पूरी दुनिया की जो सृष्टि है ये अपने आप में चीख चीख करके परमेश्वर के होने की गवाही दे रही है, इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता जो परमेश्वर की सृष्टि को देख करके भी परमेश्वर के अस्तित्व को डिनाई करे या उसके अस्तित्व को चुनौती दे, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। और हम देखते हैं कि जो बुद्धि का जो प्रारंभ है या जो बुद्धि है वो क्या है, हम पढ़ चुके हैं, बुद्धि परमेश्वर का भय मांगना, भय मानना बुद्धि है और समझ है। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके रास्ते पर चलने वाले हैं, उसके खोजी हैं, यही सबसे बड़ी बुद्धि है। अगर परमेश्वर की खोज में अगर अपने अपने जीवन को लगाया है, यह सबसे बड़ी बुद्धिमानी का और समझ का काम है। यह सबसे बड़ा मूर्ख है वो जो व्यक्ति ये कहे कि परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो अपने घिनौने कामों को अपने जीवन में प्रबल करना चाहते हैं, वो अपनी अभिलाषाओं को और लालसाओं को अपने जीवन में प्रबल करना चाहते हैं। क्योंकि यदि उन्होंने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया तो फिर वो अपनी लालसाएं, अपनी अभिलाषाएं, अपने लोभ, अपने घिनौने काम नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखो कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं, वह सब के सब भटक गए हैं, वह सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं, या क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते, वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को गुलामी से लौटा ले आता, तब याकूब मगन और इज़राइल आनंदित होगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यह बात हो चुकी है, अब परमेश्वर ने सिय्योन से अपने आप को प्रकट कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, यानी स्वर्ग से अब वो नीचे धरती पर उतर आया है, अब यहां उतर आया है अपने लोगों को बचाने के लिए, वो उतर आया है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं से, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बातों से यह प्रूव किया है कि वो है, वो ही परमेश्वर है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, प्रभु यीशु मसीह की जो उसने बातें सिखाई हैं उन्हें देखते हैं, तो साफ तौर पे पता लगता है कि ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं स्वर्ग से उतरा हूं तो मैं स्वर्ग की बातें कर रहा हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं इसलिए मैं स्वर्ग की बातें कर रहा हूं, मैं कोई मनुष्य नहीं, इस धरती का नहीं, जो मैं तुम्हें धरती वाली बातें बताऊं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया, और यदि फिर भी कोई उसे देखकर, उसकी बातों को जान करके, उसको समझ करके उसे डिनाई करे, तो फिर वो इस धरती पर सबसे बड़ा परमेश्वर की दृष्टि में महामूर्ख है। और यदि उसने परमेश्वर के इन बातों को जान लिया, पहचान लिया, उसका वो खोजी है, तो फिर वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा बुद्धिमान है। और जैसा हम पढ़ते हैं कि जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। वो लोग यही समझ ही नहीं पाते हैं कि वो, उन लोगों का दावा क्या होता है कि अरे जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो हमें क्या बचाएगा, उन्हें पता ही नहीं है कि वो अपने आप, वो खुद हमारे लिए मरा है, उन्हें यही नहीं पता है। तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम इस बात को समझ सकते हैं कि क्रूस की कथा में क्या सामर्थ है, क्योंकि उद्धार पाने वालों के लिए वो क्रूस उनके लिए, उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम ये बात अच्छी तरह से समझते हैं, इसे ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, और अच्छी तरह से इस बात को हम जानते हैं कि बुद्धि का प्रारंभ ही परमेश्वर का भय मानना, बुद्धि का ही प्रारंभ है, और यही सबसे बड़ी समझ है कि हम उसके खोजी बने। और जब हम उसके खोजी होते हैं तो प्रभु ने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खोलोगे तो तुम्हारे लिए खटखटाया जाएगा। तो परमेश्वर हमारे लिए खोलता है, वो हमें, जब वो बुद्धि हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है, और हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा जब हम उससे खटखटाते हैं तो वो हमारे लिए खोल भी देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 14वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।